हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ, पिताजी, चलिए हम अपने गांव वापस चले जाते हैं। चलिए बेटी, भगवान को मिले बिना जाओगे? दादी जी, शिरडी में भगवान नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के दर्शन करके अपना उद्धार करते हैं। तुम शिरडी आकर भी खाली हाथ लौटोगे? अपनी माँ और पिताजी की आंखें लौटाना चाहते हो ना बेटे? रुक जाओ, और वैसे भी तुम शिरडी से बाहर नहीं जा सकते हो बेटे। देखा तुमने मालिक, 72 जन्मों के संबंध बस यूं ही तोड़ देता है। बहस करता है उससे, बच्चों की तरह बहस करता है। क्या करूं मालिक, मैं 72 जन्मों के संबंध है उससे। अब तू ही होता मालिक, अब तू ही बता, अब मैं क्या करूं, क्यों हंस रहे हो दोस्त, बताओ। मुझे पेड़ की आड़ से चुप चुप कर देखकर हंस रहे थे तुम। हाँ बताओ बताओ। अरे बताओ दोस्त, क्यों हंस रहे थे? मेरी माँ कहती है मैं पागल हूँ। इसीलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह ही पागल हो। सच कहा तुमने, शिरडी के सब लोग मुझे पागल ही तो कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप पागल नहीं हैं। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं पागल नहीं हूं? क्योंकि मैं भी पागल नहीं हूं। अरे पर अभी अभी तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें पागल कहती है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैं आसमान की तरफ देख के बातें करता हूँ। अच्छा, और मैं? अभी तुम भी तो आते हुए आसमान की तरफ देख के बातें कर रहे थे मेरी तरह। बाबा अभी कमाल हैं। अभी अभी वहाँ गुरुजी पर इतने खफा हुए और यहाँ बच्चे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुमने तो वहाँ पर झगड़ा भी किया। मेरी माँ होती तो कहते पूरा ही पागल है। लेकिन तुम ये तो बताओ, ऊपर देख के बात किसे कर रहे थे? भगवान से। मैं भी भगवान से बात करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम भगवान से क्या कहते हो? यही कि सबको सम्मति दो, सद्बुद्धि दो। और तुम? मैं कहता हूँ हे भगवान, मेरे माता पिता देख नहीं सकते, बस उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे ताकि वो मुझे देख सके। मतलब तुम्हारे माता पिता देख नहीं सकते? अब तुम ही बताओ, भगवान भी कितना दुष्ट है।
बनाया उसने मेरे माता पिता को अंधा। कभी कभी तो दिल में आता है उससे बात ही ना करूं। जब भगवान मिलेंगे ना मैं पूछूंगा उनसे क्यों बनाया उन्होंने मेरे माता पिता को अंधा। लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे? यहीं, इसी शिरडी गांव में। तुम्हें मालूम नहीं मेरे माँ और बाबा जानते हैं कि इसी शिरडी गांव में भगवान रहते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ शिरडी में आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान को पहचानोगे कैसे? अरे बहुत आसान है। हाँ। तुमने भगवान की तस्वीर नहीं देखी? भगवान के चार चार हाथ होते हैं, एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र और तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल होता है। दोस्त तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। श्रवण। श्रवण तुम बहुत प्यारे बच्चे हो श्रवण। साचो तेरो आलेख, तुम्हारे माँ बाप देख नहीं सकते इसलिए तुम भगवान से नाराज हो, लेकिन तुम्हारे तो माँ बाप हैं, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। सबका मालिक एक साईनाथ के व्यवहार में हमेशा कुछ न कुछ गूढ़ अर्थ छुपा रहता है। यहां बच्चे के साथ हंसी मजाक करके चले गए। मां, पिताजी, पिताजी। मां, मैंने शिरडी में भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा मां, भगवान को छिपने नहीं दूंगा मैं। बहुत प्यारा बच्चा है राधा भाई। यही बच्चा था जो साईं बाबा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। यही तो भगवान की लीला है सगुन, भगवान के साथ खेल कर आया है वो, लेकिन कह रहा है शिरडी में भगवान कहीं नजर नहीं आए। क्या ये लोग बाबा को मिलने आए हैं? शिरडी में जो कोई भी आता है साईं बाबा के दर्शन करने के लिए ही आता है। श्रवण के माता पिता भी साईं बाबा से मिलने और अपनी आंखों की दृष्टि वापस मिल जाए इसीलिए तो आए हैं। तो क्या साईं बाबा उनकी आंखें उन्हें लौटा देंगे? मालिक के शब्दकोश में नहीं, ये शब्द नहीं है नूर। अक्कलकोट महाराज ने ऐसे चमत्कार किए हुए हैं। अक्कलकोट में उस समय एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर आई थी जो अंधा था। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ये तो अपनी ही आरती करवा रहा है। अक्कलकोट स्वामी महाराज की जय। जयकार भी करवा रहा है। ढोंगी पाखंडी है। माँ, स्वामी जी कितने तेजस्वी हैं। तुम्हें कैसे पता? मैं उन्हें देख रहा हूँ। तुम देख रहे हो? हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ। देखो स्वामी जी ने एक भक्त को प्रसाद दिया। तुम देख सकते हो? झूठ बोल रहा है ये बच्चा, अंधा कैसे देख सकता है? अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है माँ, मैं नहीं देख सकता माँ। ये सब वहम है। ऐसे ढोंगी और पाखंडी के पास आने से अच्छा था कि तुम अपने बेटे को लेकर किसी अच्छे वैद्य के पास जाती। समर्थ दीन दयाला,
प्रभु जगन्नाथ कृपा कीजिए स्वामी, मेरे बच्चे पर दया कीजिए स्वामी। ये तो पाखंडी है, ये क्या कृपा करेगा। मेरे कृष्णा को दृष्टि दीजिए स्वामी, दया कीजिए। कृष्णा क्यों अपनी माँ को तरसा रहे हो, अरे तुम तो देख सकते हो। दया कीजिए। माँ मुझे सब दिखने लगा है। माँ माँ मैं सब देख सकता हूँ। माँ कृष्णा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बेटा। केसरी वस्त्र पहनने वाले, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले 5 अज्ञानी। कृष्णा ये 5 यहाँ किस लिए आए हैं। आपका उपहास करने। ये स्वामी नाटक अच्छा करता है। वो मन ही मन कह रहा है कि यह स्वामी नाटक अच्छा कर रहा है। ये स्वामी की परीक्षा लेनी होगी। दूसरा कह रहा है कि हमें स्वामी जी की परीक्षा लेनी होगी। कृष्णा तुम्हें और भी कुछ सुनाई दे रहा है। वो चौथा है ना, वो कह रहा है कि स्वामी जी ने कभी वेद पुराण पढ़े हैं, कभी भगवत गीता पढ़ी है। बेटे कृष्णा भगवत गीता का कोई श्लोक बोल के दिखाओ। लेकिन मैंने कहा भगवत गीता पढ़ी है। फिर भी तुम बोलो बेटा कृष्णा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थार्पणार्थाय संभवामि युगे युगे। अब वेद बोलो कृष्णा। मैंने कहा वेद पढ़े हैं स्वामी जी। मैं सिखाता हूँ। बोलो। अहम ब्रह्मास्मि। क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, क्षमा कीजिए। आज आपने हमारा अहंकार नष्ट कर दिया स्वामी जी। ये कृष्णा अंधा नहीं था, हम ही आंखों वाले अंधे थे जो आपको पहचान न सके। हमने आपका उपहास किया है, आपका अपमान किया है, क्षमा कीजिए हमें। आप दीनानाथ हैं, आप भक्त वत्सल हैं, हमारा उद्धार कीजिए। अपने ज्ञान का फायदा समाज को होने दो, अपने अहंकार को गंगा में डुबो दो, भागवत धर्म का आचरण करो और भागवत का प्रचार प्रसार करो। और कृष्णा तुम शिक्षा लो और लोगों को शिक्षा दो, लोगों को नई दृष्टि दे दो, जिससे कि समाज में कोई आंख होकर भी अंधा न रहे, ज्ञान का प्रकाश फैले। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। दादा भाई इसका अर्थ है कि इन श्रवण के माता पिता को आके मिलेंगे। हा? नई दृष्टि मिलेगी, साधु संतों का कार्य ही है समाज को नई दृष्टि देना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे श्रवण मेरे दोस्त कहाँ थे तुम, कहाँ थे, आओ 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 आओ, आओ बैठो 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 बैठो। मार बाबा के साथ गया था। हाँ। अब कहाँ है तुम्हारे माता पिता। धर्मशाला में। हाँ। और मैं फिर से भगवान को ढूंढने निकला हूँ। शिरडी में मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। दोस्त भगवान को आँखों से नहीं दिल की आँखों से देखा जाता है। दिल की आँखें,
दिल को भी आंखें होती हैं। अरे धेनु आजा 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 ये ले ये ले ये ले आ और ले और ले और ले। एक बात बताओ। हाँ बोलो। ये गाय तुम्हारे ही पास क्यों आती हैं? क्योंकि मैं उन्हें प्यार देता हूँ। तुम भी दूसरों को प्यार दोगे तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। तुम दूसरों को नफरत करोगे तो तुम्हें नफरत ही तो मिलेगी। याद रखो, इस दुनिया का श्वास है प्यार। इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है विश्वास। ये दुनिया चलती है भक्ति की शक्ति पर। इंसान की जिंदगी में विश्वासघात, धोखेबाजी, नफरत जैसे कई पड़ाव आते ही रहते हैं। इंसान को कभी इन पड़ावों पर रुकना नहीं चाहिए। जो इंसान इन पड़ावों पर रुक जाते हैं तो उससे वो मालिक, वो भगवान दूर चले जाते हैं और इंसान स्वयं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करो जो तुम दूसरों की आंखों में आंखें डालते हुए डर जाओ, तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक जाए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद वो मालिक, वो भगवान स्वयं ही करता है। मैंने अब तक सिर्फ मार बाबा की मदद की है, दूसरों की नहीं। शायद इसीलिए मुझे भगवान नहीं मिले। सुनो सुनो, शिरडी में जल्द ही आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, शिरडी में जल्द ही आ रहा है। वो देखो, भगवान आ गए। भगवान मुझसे प्रसन्न हुए, इसीलिए वो शिरडी में आए। आज मैं उन्हें मार बाबा से मिलाऊंगा। भक्ति बाधुर, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, शिरडी में जल्दी आ रहा है भगवान। मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ भगवान, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। आपसे आज मेरी भेंट हो गई। आप मेरे साथ आएंगे ना भगवान? मेरे माता पिता अंधे हैं, वो भी आपसे मिलने आए हैं। बस आप उनकी दृष्टि लौटा दीजिए भगवान। मेरे माँ और पिताजी वो धर्मशाला में रहते हैं। वो दोनों वही हैं। बस आप उनकी आंखें लौटा दीजिए भगवान। अरे तुम अच्छे बेटे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, असली है ना? नहीं, नकली है। नकली है ना? अच्छा तो क्या मैं बंदर हूँ? नहीं नहीं हूँ। तो ऐसे ही है, भगवान भी नहीं है। ये जो हाथ है ना, ये हाथ, ये भी ना नकली है, नकली। ये देखो, ये अरे हमारे गांव में ना एक नाटक मंडली आने वाली है, तो उसमें काम करने वाले कलाकार हैं ये। मतलब मार पिताजी को जिसने कहा कि शिरडी में भगवान है वो झूठा है? श्रवण मायूस हो गया है। निष्पाप जो है
अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। इसीलिए नौटंकी वाले को भगवान समझ बैठा है। साईनाथ, आप कृपा कीजिए उस पर। मैं सब पर कृपा करता हूं महालसापति। जो मेरे दरवाजे पर आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता महालसापति। लेकिन श्रवण तो लौट रहे बाबा, भगवान से मुलाकात न होने पर निराश होकर लौट जाएगा वो। भगवान को पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है नानावली। पर हमने तो आपको पा लिया है बाबा। मैं न मालिक हूं न भगवान, मैं तो मालिक का बंदा हूं, भगवान का भक्त हूं। हमारे लिए आप भगवान ही हैं। शिरडी का हर कोई आपको परमात्मा ही मानता है। वो गलत है महालसापति। मालिक का काम करने के लिए मालिक ने मुझे भेजा है, लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है उसने, और उनका उद्धार करने के लिए भेजा गया है मुझे। साईनाथ, श्रवण के माता पिता का उद्धार कर दीजिए। मैं तो लोगों के दुख दर्द से पिघल जाता हूं महालसापति। जैसे शिव जी ने हलाहल प्राशन किया, वैसे मैं लोगों के दुख दर्द अपने आप पर लेना चाहता हूं, परंतु मेरे लिए भी तो मर्यादा है। मर्यादा में शरीर को जकड़ भेजा है ऊपर वाले ने। अपने भक्तों का दुख दर्द इस शरीर पर लेने के बाद मेरा ये शरीर आहिस्ता आहिस्ता चीण चीण होने लगा है। जिन लोगों को भक्ति पाबंदी लगती है वो कुविचारों की तरफ आकर्षित होते हैं, और ना चाहते हुए भी उनके हाथ से बुरा कर्म हो जाता है। जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल मिलता है, ये तुम भी जानते हो महासापति। यही तो कर्मों का बंधन है, जिसे मैं नहीं तोड़ सकता महालसापति। अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद ही श्रवण के माता पिता का उद्धार होगा। सबका मालिक एक। लेकिन तुम्हारा खेल नहीं रुकता। उस खिलाड़ी की जगह कोई नया खिलाड़ी आता है और तुम्हारा खेल चलता ही रहता है। वाह प्रभु वाह, धन्य हो तुम। अरे श्रवण, तुम हंस क्यों रहे हो? अब भी तुम आसमान की तरफ देख के बातें करते हो। देखा, तुम्हारे खेल में शामिल होने की तैयारी में है ये निष्पाप खिलाड़ी जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन माँ कहती है कि इस तरह बार बार भगवान से बातें करना अच्छा नहीं है। क्यों? भगवान को सारी दुनिया का कारोबार चलाना है। हमारे जैसे कई लोग उनसे बातें करते होंगे, लेकिन उन्हें तो हर किसी की बात सुननी है। हम ही अगर बार बार बोलते रहेंगे तो वो दूसरों की बात कब सुनेंगे? बात तो
ठीक है। इसीलिए मैंने भगवान को तकलीफ देना छोड़ दिया है। तकलीफ? क्या भगवान ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी बातों से उन्हें तकलीफ होती है? नहीं, लेकिन आज तक तो भगवान ने मुझसे कोई बात नहीं की, तुमसे की? भगवान कभी हमसे सीधे बात नहीं करते, वो हमें इशारा करते हैं। इशारा? हाँ, जब फूल खिलता है तब समझ लेना चाहिए कि भगवान खुश हैं। जब आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो समझ लो कि भगवान मुस्कुरा रहा है। जब खेतों में फसल उगती है तब तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों पर पानी उड़ाने का खेल खेलते हो, ठीक उसी तरह पानी की बरसात करके भगवान खुश होते हैं। जब हर कोई एक दूसरे को प्रेम, ममता, सहारा देता है तब भगवान को अच्छा लगता है, उसे संतोष होता है। भगवान की हंसी कैसी होगी? तुम्हारे जैसी, निष्पाप बच्चों की तरह। ठीक उसी तरह भगवान भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। भगवान को कभी गुस्सा आता है? हाँ, आता है ना। जब भगवान को गुस्सा आता है तो दुनिया में तूफान आने लगता है, समुद्र की लहरें आसमान को छूने के लिए उछलती हैं, धुआंधार मूसलाधार बारिश होती रहती है, ऐसी तेज हवा चलती है कि बड़े से बड़े पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देती है। लगता है तुमने अपनी दिल की आंखों से भगवान को देखा है। तो तुमने मेरी बात याद रखी है। क्या तुमने कभी दिल की आंखों से भगवान को देखने की कोशिश की है? की ना, कल रात जब मैं सोने वाला था तब मैंने प्रार्थना की, अगर मेरे पास भी दिल की आंखें हैं तो भगवान मुझे दर्शन दो। तो क्या भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए? नहीं ना, और बार बार मुझे तुम ही दिखाई दे रहे थे, और तुम तो भगवान हो ही नहीं। मैं भगवान का भक्त हूँ। मुझे लगता है कि शिरडी में भगवान है ही नहीं, इसीलिए मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। गांव गांव घूमूंगा और जिस गांव में मुझे भगवान मिल गए मैं उनसे कहूंगा कि मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दो। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कहूंगा कि मेरी दो आंखें हैं, एक आंख मेरी माँ को दे दो और दूसरी आंख मेरे पिताजी को। तुम बहुत प्यारी हो चमन। मैं तुम्हें मिलने के लिए ही यहाँ बैठा था, अब मैं जाऊं? तुम शिरडी के ही हो ना? हाँ हाँ, कभी कभी मिलने जरूर आऊंगा। सच कहूं? हाँ बोलो। तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। साईनाथ, श्रवण के साथ इतनी क्या बातें हो रही थी? श्रवण के माता पिता
देख नहीं सकते। आपकी कृपा का इंतजार करते हुए धर्मशाला में ठहरे हैं। हाँ महालसापति, इंसान को मालिक का हर हाल में कृतज्ञ रहना चाहिए। मालिक कभी किसी पर अन्याय नहीं करता, उसके पास हर किसी का लेखा जोखा होता है और वो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही तो फल देता है। मालिक की कृपा होनी है, इसीलिए तो श्रवण के माता पिता को सबसे अहम मनुष्य जन्म मिला है। इंसान को कैसे भी हालात हो, संतोष के साथ रहना चाहिए, उसे मालिक की भक्ति करनी चाहिए और मालिक की दुआ का भागी बनना चाहिए। महालसापति, एक गरीब ने देखा कि एक आदमी के पास बहुत पैसा है। दोनों जंगल में जा रहे थे। गरीब पैसे वाले से पैसा छीनने वाला ही था। यकायक उसका पीछा करते गरीब का पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसका पैर टूट गया था। पैर ठीक होने में काफी वक्त लग गया। उसकी घरवाली मालिक को कोसने लगी, लेकिन गरीब ने मालिक का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया? हां महालसापति, तुम्हारी तरह उस गरीब की बीवी भी हैरान हुई। कहने लगी, तुम्हारा पैर टूट गया और तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो? तब उस गरीब आदमी ने कहा, मालिक ने मुझे पाप करने से बचाया। बीबी ने कहा, लेकिन तुम्हें इतनी मुसीबत में डाला, उसका क्या? गरीब ने जवाब दिया, मुसीबत पाप से हजारों गुना अच्छी है। इसका मतलब साईनाथ, श्रवण के माता पिता अंधे ही रहेंगे? सबका मालिक। जी, चलिए हम अपने गांव वापस चले जाते हैं। चलिए बेटी, भगवान को मिले बिना जाओगी? दादी जी, शिरडी में भगवान नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के दर्शन करके अपना उद्धार करते हैं। तुम शिरडी आकर भी खाली हाथ लौटोगी? अपनी माँ और पिताजी की आंखें लौटाना चाहते हो ना बेटे? रुक जाओ, और वैसे भी तुम शिरडी से बाहर नहीं जा सकते हो बेटे। शिरडी के भगवान की इजाजत ना हो तो कोई शिरडी से बाहर नहीं जा सकता है बेटे। दादी जी, ऐसा है तो ठीक है, शिरडी में भगवान है या नहीं ये अब मैं जान लूंगा। अगर मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर शिरडी से बाहर चला गया तो मैं समझ लूंगा कि शिरडी में भगवान नहीं रहते, और अगर मैं शिरडी से बाहर नहीं जा सका तो मैं समझ लूंगा कि शिरडी में भगवान है। किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत ही क्या है कि मालिक है? अरे मालिक है, वो तो संपूर्ण चराचर में समाया है। श्रद्धा और भक्ति की आंखें चाहिए उसके दर्शन करने के लिए। हम अविश्वास करेंगे तो मालिक के दर्शन कैसे होंगे? इंसान मालिक की तलाश में निकलता है, हर जगह हर दिशा में उसकी खोज करता है, लेकिन उसे ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं।
मालिक तो इंसान के अंतःकरण में रहता है, अंतःकरण। सच्चे दिल से अपने दिल में झांको, तुम्हें मालिक के दर्शन होंगे। सच्चे दिल का मतलब है अहंकार और अविश्वास को त्याग कर जो कुछ भी होता है या हो रहा है वो मालिक की कृपा से हो रहा है। उस पर श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो, उसके अस्तित्व पर शंका संदेह मत करो। मालिक को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब हम सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं तो वो हमें अपने अस्तित्व से परिचय करा देता है। सबका मालिक एक। बाबा वो आपका एक छोटा दोस्त है ना, क्या क्या नाम है उसका? श्रवण। हाँ, क्या हुआ उसे? वो अपने माता पिता के साथ शिरडी छोड़कर जा रहा है बाबा। हाँ जा रहा है, जाने दो उसे। लेकिन आपने उसे इजाजत दी है क्या? नहीं। तो फिर उसे रोकना होगा नूर। किस किस को रोकोगी तुम लक्ष्मी की माँ? अविश्वास को, अविचार को, अविवेक को या अहंकार को? किस किस को रोकोगी? और रोकोगी भी तो कोई रुकने वाला नहीं है। जो सबर करना नहीं जानते वो रुकते नहीं, और जो रुकते नहीं वो दूसरों पर विश्वास करते नहीं। अपने मन को वही काबू में रख सकता है जिसकी मालिक पर श्रद्धा हो, भक्ति हो, वही सबर कर सकता है। बाकी सब तो चंचल मन के इशारों पर भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अहंकार, अविश्वास, अविवेक के घोड़ों के रथ पर सवार होकर बहक जाते हैं। सबका मालिक एक। कौन कौन है बेटा? नाना वाली चाचा है माँ। अरे तुम शिरडी छोड़कर जा रहे हो दोस्त? हाँ, यहाँ आए थे कि भगवान मिलेंगे और मेरे माँ और पिताजी की आंखें ठीक कर देंगे, पर यहाँ पर तो भगवान ही नहीं है। अरे भगवान को पाने के लिए ना तपस्या करनी पड़ती है, तुमने तपस्या की? नाना वाली बेटा, श्रवण के दिल में हमारे लिए श्रद्धा है, प्रेम है, ये भी तो एक तपस्या है बेटा। हाँ हाँ, सभी कह रहे थे कि भगवान की इजाजत के बिना आप शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन हम तो शिरडी के बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब है नाना वाली चाचा कि शिरडी में भगवान नहीं है। गलत,
अरे भगवान यहाँ शिरडी में ही है और तुम उनसे मिल भी चुके हो। मैं मिला हूँ? अगर मैं मिला हूँ तो मैंने उन्हें पहचाना कैसे नहीं? अरे दिल की आंखों से नहीं देखा होगा। हाँ दिल की आंखों से। मेरी मानो श्रवण, तुम्हारे माता पिता को ना यहाँ शिरडी में भगवान ने ही बुलाया है उनकी आंखों का इलाज करने के लिए। तुम अगर ऐसे ही शिरडी छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे माता पिता की आंखों की रोशनी कैसे लौटेगी और वो दोनों तुम्हें कैसे देख सकेंगे? अरे श्रवण, तुम्हारे माता पिताजी ने अभी नहीं कहा कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो तो सब्र करना सीखो। याद रखो, सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है। याद रखो, सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है। माँ चलो हम वापस चलते हैं। चलो कहते हैं हमने दिल की आवाज सुनी, लेकिन ये दिल की आवाज है किसकी? बताओ मालिक, दिल की आवाज है किसकी? दिल तो इंसान का है, लेकिन आवाज तुम्हारी है मालिक। इंसान नहीं जानता कि दिल की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज है, यानी मालिक की आवाज है। जब वो दुविधा में होता है तो उसके दिल में प्रकट होकर तुम बोलते हो। असमंजस में पड़े इंसान का मार्गदर्शन करते हुए तुम उसे सही रास्ता दिखाते हो। इसे इंसान अपने दिल की धड़कन समझता है। वो जानता तक नहीं कि साक्षात मालिक ने उससे संपर्क किया है। लोग कहते हैं दिल धड़कता है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल धड़कता नहीं है, वो तो मालिक के नाम का जाप करता रहता है। इस जाप को ही लोग दिल की धड़कन कहते हैं। जिस दिन मालिक का जाप करते हुए दिल रुक जाता है तो इंसान के दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। सभी कहते हैं कि अंत हो गया, लेकिन जहां मालिक की आवाज नहीं होती वहां जिंदगी कैसे हो सकती है? लोग इस समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों? अरे दोस्त। अरे श्रवण, अरे कैसा है तू? ठीक। मेरी माँ ने अगर तुम्हें आसमान की तरफ देखकर बातें करते हुए देखा होता ना, क्या बोलती थी पता है? क्या बोलती थी? बोलती थी ये तो काम से गया, अब तो इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। ताली। और चलो वहाँ बैठकर ना हम गप्पे लड़ाते हैं। चलो 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 चलो, चलो, चलो। मालिक क्या हुआ, तुम तो शिरडी छोड़कर गांव जाने वाले थे। नाना वाली चाचा ने कहा कि मत जाओ, इसीलिए रुक गया। हाँ। लेकिन अब मैं सबर करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि शिरडी में भगवान है। अच्छा अच्छा। हाँ। बस एक बार मुझे भगवान के दर्शन होने दो, फिर मैं उन्हें मना लूंगा और वो मेरे माँ और बाबा की आंखें लौटा देंगे। लेकिन मुझे भगवान के दर्शन होंगे कहाँ, कब होंगे और कहाँ? भगवान के सामने बैठे हो और भगवान ढूंढने के लिए मंदिर में जाना चाहते हो? कौन भगवान? बाबा। वो तो मैं भगवान कह रहा है। इन लोगों को भी हमारी तरह आसमान की तरफ देखकर बातें करने की आदत है लगता है। मालिक।
लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा श्रवण से कहती क्यों नहीं कि वो अपने माँ बाप को लेकर उनके पास चला आए। साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। जा रहे श्रवण? मालिक, नाराज हूं मुझसे? मैं सबसे नाराज हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जो मेरे माँ बाप को अंधा बनाया उसने। भगवान पर उंगली नहीं उठाते श्रवण। भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। किसने कहा तुमसे? भगवान है, वो मालिक है। अगर भगवान है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते मंदिर में? अच्छा, इसलिए तुम मंदिर आए हो। धर्मशाला में राधा दादी ने मुझसे कहा कि मैं शिरडी के बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब शिरडी में भगवान है। अगर शिरडी में भगवान है तो उन्हें मंदिर में ही होना चाहिए ना। मंदिर क्या है श्रवण? मंदिर में मन है और मन के अंदर मंदिर। हमारा मन ही मालिक का मंदिर है। तो फिर ये मंदिर? ये भी मंदिर है, लेकिन ये सबका मंदिर है। हमारा मन ही भगवान का मंदिर है और इस मंदिर में भगवान रहते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान हर दिशा में हैं, हर तरफ हैं, हर किसी में हैं। इस पेड़ में भी हैं, इस गाय में भी हैं, तुम में भी हैं और मुझ में भी हैं। तो फिर मन में रहने वाले भगवान की पूजा कैसे की जाती है? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो भगवान की पूजा ही तो है। तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, उनकी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए तुम कितनी कोशिश कर रहे हो, वो भी तो एक प्रकार की पूजा ही तो है। किसी भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना भगवान की पूजा ही तो है। जब तुम किसी बेजुबान जानवर को प्यार देते हो, उसे खाना खिलाते हो, वो मालिक की भक्ति है। जब इंसान बूढ़े की लाठी बनता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उन्हें प्यार देता है, तब अपने मन के अंदर बैठा मालिक की कृपा प्राप्त करता है। मालिक उस पर प्रसन्न होता है। भगवान कब मुझ पर प्रसन्न होंगे? कब मुझ पर और मेरे माँ और पिताजी पर कृपा करेंगे? सबका मालिक एक। अरे तात्या, तात्या,
कहाँ जा रहे हो बाबा? रुको रुको, मैं भी आ रहा हूं। मालिक, ये बाबा कैसी बात करता है? भगवान तो इतने बड़े होते हैं, उनके चार हाथ होते हैं, हाथों में सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल होते हैं। मेरे छोटे से मन में वो कैसे रह सकते हैं? माँ सच कहती है, आसमान की तरफ देखकर बातें करने वाला पागल होता है।